और उस पर हमने मंगाया था कैमरा स्पेसिफिक फोन। दो मिनट बात हो सकती है, आपको कौन सा किसका बढ़िया लगा? बैक कैमरा वाला बताओ कौन सा बढ़िया। हाँ फ्रंट पे ये अच्छा है। सब बढ़िया, वो बस वो मोबाइल ऊपर कर देना आप। इसका फोटो अच्छा लगा, सबसे बेटर कौन सा लग रहा है? ये MMJ Vibes चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोबाइल पे ये वाला बटन दबाएं और हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए कंपैरिजन टाइप के रिव्यू वीडियो में। अब कंपैरिजन टाइप का रिव्यू मतलब क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल अभी रिसेंटली गया है और उस पर हमने मंगाया था कैमरा स्पेसिफिक फोन। यस, मेरी वाइफ को चाहिए था एक बहुत ही जबरदस्त कैमरा, लेकिन मेरा इतना बजट नहीं था, हमारा फटा हाल है। तो हमने 30,000 के अंडर में एक मोबाइल मंगाया और दूसरा हमारी सिस्टर इन लॉ ने मंगाया अपने लिए, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन बहुत ज्यादा है, किसकी फोटो अच्छी आती है किसकी नहीं। तो ये दो मोबाइल है टैन टैन। तो पहला है ये है मोटो H50 प्रो और दूसरा मोबाइल बगल में डाल दो इसको, दूसरा मोबाइल है भैया ये वाला, ये है आपका OnePlus 11R। तो इन दोनों का प्राइस भी सेम है, लगभग 29-30 हजार के करीब। ये मेरे को पड़ा था 28,107 रुपए मोटो H50 प्रो, और ये वाला मेरे को पड़ा है 28,111 रुपए OnePlus 11R, जो कि मैंने मंगाया था Amazon से, सारे बैंक ऑफर वगैरह सब कुछ लगाने के बाद दोनों मोबाइल। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमने ये जो मोबाइल लिया था ये कैमरा को ध्यान में रख के लिया था, लेकिन इसका कैमरा वास्तव में कैसा है, इन दोनों में से बेस्ट कैमरा कौन सा है? तो चलो एक व्लॉग के माध्यम से लोगों का ओपिनियन जानेंगे, लोगों को मैं दूंगा ये मोबाइल और उनका कैसा रिएक्शन होता है, फोटो के पर्सपेक्टिव कौन क्या बोलता है कि कौन सा बेटर है, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा मोबाइल बेस्ट है। तो चलो चलते हैं। मैं अभी यहाँ पे एक लोकल मार्केट में आ रखा हूँ और मैं रैंडम लोगों से पूछूंगा इसका फीडबैक। हेलो, नाम क्या है आपका? दो मिनट बात हो सकती है? मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे इन दो मोबाइल्स का फीडबैक जानना है, इसकी फ़ोटो कैसी आती है। आपको फ़ोटो खींचना है और बताना है कौन सा मोबाइल, मैं मोबाइल का फीडबैक वीडियो बना रहा हूँ। तो यार ये दो गर्ल्स हैं जो कि रेडी हुई है, इन दोनों का मोबाइल का नाम नहीं बता रहा और ये बताएंगे किसका फ़ोटो इनको सबसे बेस्ट लगा। तो पहला ये वाला मोबाइल देख लो आप, ठीक है? अब सेम फोटो खींचना आप बैक कैमरे से। अब आप बताओ कि आपको कौन सा किसका बढ़िया लगा? ये वाला। ओके गाइस, तो ये देखो इनको ये वाला ये है, ये आप समझ ही गए हो कि कौन सा है। OnePlus 11R का फोटो आपको बढ़िया लगा। और एक बार सेल्फी ट्राई करके देख लो, सेल्फी ट्राई कर, आप किसी और की सेल्फी ले लो, अपनी सेल्फी नहीं लेना है। तो हाँ बहुत अच्छा है इसको वाला, ये वाला देखो, सेल्फी में कौन दोनों बेटर है? सेल्फी में ये बेटर, सेल्फी में ये वाला बेटर। ओके गाइस, तो सेल्फी के लिए ये वाला, ये इसका पता है कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कौन सा मोबाइल है। तो ये मोटो H50 प्रो सेल्फी के लिए बेस्ट है और बैक कैमरा के लिए इनका फीडबैक है ये वाला बेस्ट है। तो आपका नाम? मेरा नाम सोनम कुंजी। आपका? सोनाली कुंजी। थैंक यू सोनाली और सोनम। और मेरा चैनल है MMJ Vibes, आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, आपका वीडियो डाल लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। इनका फीडबैक ये था कि मोटो H50 प्रो का जो फ्रंट कैमरा वो बेटर है और बैक कैमरे के लिए उन्होंने 11R को पॉइंट आउट किया। तभी एक भैया और मिले हैं, क्या नाम है आपका? तो मंगेश जी, आपको मैंने दोनों मोबाइल का नाम नहीं बताया ना, कि इनसे भी जानूंगा कि सेल्फी और जो बैक कैमरा का फोटो किस में बेटर आती है। तो पहले आप ये वाला कैमरा में देता हूँ आपको। तो अभी ये वाला कैमरा यूज कर रहे हैं। सेल्फी भी यूज कर लो, ठीक है? अब आप ये वाला कैमरा लो, आप ये वाला लो। अब ये दूसरा मोबाइल मैंने इनको दिया है, अब आप दोनों में बताओ कि कौन सा वाला आपको बेटर लगा सेल्फी के लिए। और चेक कर लेते हैं सर, चेक कर लो।
भैया थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, बैक कैमरे वाला बताओ कौन सा बैठा। हाँ बैक कैमरे वाला चेक करो। ये वाला ओके, तो ये है वन प्लस 11R। पहले देख लिया। ओके उन्होंने पहले ही देख लिया था। और फ्रंट कैमरे के लिए कौन सा बेटर लगा आपको? हाँ फ्रंट पे ही अच्छा है। फ्रंट पे ही अच्छा है ओके। तो फ्रंट के लिए उन्होंने बताया कि मोटो एच 50 प्रो, इनका भी वही फीडबैक है। ओके यार भैया नाम बताओ एक बार आप दोबारा। जी मंगेश ओकर। मंगेश तो थैंक यू यार सो मच। दोनों एक गर्ल्स ने और एक जो बंदा है ये सेम एज ग्रुप के थे। अब मैं डिफरेंट एज ग्रुप के किसी को पकड़ता हूँ और या किसी लेडीज़ को पकड़ता हूँ, उनका क्या फीडबैक रहता है। तो चलो गाड़ी घुमाते हैं। आपका नाम दो दो। आत्माराम देवाजी बनकर। आत्माराम देवाजी बनकर। देवाजी बनकर। ओके तो ये दो मोबाइल हैं हमारे पास, ठीक है मैं इनको खोल के दे रहा हूँ आपको। अब इनमें से आप एक फ़ोटो खींच लो, मेरी फ़ोटो खींच लो भलाई, कैस किसी भी दोनों की, और उसके बाद आप फ़ोटो खींच के फ़ोटो देख के बताना किसकी फ़ोटो अच्छी आई, किस मोबाइल की फ़ोटो अच्छी है। तो ये सर जो है अभी फ़ोटो खींच रहे हैं। खींच लिया एक, आप उससे भी खींच लो। अभी ये जो बैक कैमरे की फोटो खींच रहा है, ठीक है अब दोनों फोटो में से आप बता आपको किस किस मोबाइल का फोटो अच्छा लग रहा, वो आप बस ऊपर कर दो। अब देखते हैं इनका फीडबैक क्या रहता है। यही अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लुक वाइज इनको भी 11R ही बढ़िया लगा। ओके ये भी नहीं है। अच्छा अब जो है आप सेल्फी एक फोटो खींच लो, मतलब फ्रंट कैमरे से, उसको भले ही आप डिलीट कर देना बाद में। अब आप एक सेल्फी ले लो। तो अभी गाइस ये सेल्फी ले रहे हैं, देखते हैं इनका सेल्फी में फीडबैक कैसा रहता है। एक उसमें भी ले लेना। अब मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको सेल्फी वाले भी। अब आप बताओ सेल्फी में आपको कौन सा बढ़िया, वो बस वो मोबाइल ऊपर कर देना आप। यही वाला, ये वाला सेल्फी ओके। तो गाइस इनको सेल्फी में भी जो है 11R ही बढ़िया लगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो डाल दो ना मैं आपका ये। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं अभी आ रखा हूँ। अंकल नाम तो बताओ अपना। चंद्रशेखर निखारे। चंद्रशेखर निखारे जी की दुकान में। तो ये बस ये मैंने कैमरा ऑन करके दिया है इन दोनों का, आप बस फोटो खींच लो और ये बता दो कि किसका आपको आपको कौन सा फोटो अच्छा लगा। एक खींचो एक उठाओ, किसी कुछ भी खींच लो। अब बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोटो अच्छा लगा। इसका फोटो अच्छा लगा। ओके तो वन मोटो एच 50 प्रो का फोटो आपको अच्छा लगा। अच्छा मैम आपकी फोटो खींची है तो आप भी बताओ कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। एक बार देख तो लो, एक बार देख लीजिए। हैं धूप में लिया है तो आपको कौन सा बेटर लग रहा है, एक लेडीज की राय भी ले लेते हैं। सबसे बेटर कौन सा लग रहा है? ये वाला धूप में। तो भैया यहाँ पे 11R बाजी मार गया। अच्छा एक सेल्फी वाला देख लेते हैं। तो मैम से मैं सेल्फी वाला फीडबैक ले रहा हूँ। अब आप बताइए इन दोनों में से आपको सेल्फी कौन से मोबाइल का बेटर लग रहा है? ये वाली। ओके तो भैया मैम को लगी है ये वाली सेल्फी, दिखाना जरा ये वाली, पक्का ना? हाँ। तो ये वाली मतलब 11R का सेल्फी अच्छा लगा, तो 11R जीत गया इसमें। थैंक यू मैम। तो भैया सर लोगों का और मैडम का मैंने फीडबैक ले लिया, यहाँ पे भी वन प्लस 11R ने बाजी मार ली। तो अभी तक के ज्यादातर वोट वन प्लस 11R पे मिले हैं। दोस्तों अभी जो आप लोगों ने देखा लोगों का जो है फीडबैक जो मैंने लिया है इन दोनों मोबाइल्स को लेके, वो बहुत ही लाजवाब है। हर किसी ने वन प्लस 11R को ही ज्यादा
वोट दिया है वो इस वजह से क्योंकि वन प्लस 11R का जो कलर है ना वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल टाइप का लगता है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा फीडबैक है वो मैं आप लोगों को देता हूँ। जो मोटो एज 50 प्रो है इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब यूज़र इसमें फ़ोटो खींचता है तो उस टाइम पर उसका जो रिफ्रेश रेट है वैसे तो वो कहने को बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको ऐसा फील होता है ना कि वो अटक अटक के चलता है, और नाइट फोटो जब लेता है तो उस टाइम पे जो पिक्सल्स है वो फटे हुए आते हैं, लेकिन वो चीज़ 11R में नहीं है। ऑल दो जो ये मोबाइल है मोटो एच 50 प्रो क्या करता है कि जो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह है वो इसकी बहुत बेटर है, कि मतलब आप इमेज भले ही कितना भी घटिया खींचो लेकिन उसके बाद प्रोसेस करके ही आपको बेटर इमेज बना के दे देगा। ये कहीं ना कहीं मेरे को एक ड्रॉबैक लगता है एक ले मैन यूज़र के हिसाब से, क्योंकि मैंने जितने लोगों से भी बात करा वो बहुत ही नॉर्मल तरीके के यूज़र्स हैं, ऐसा नहीं कि वो हाईटेक जिनको बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, ऐसा कुछ नहीं। मेन रीज़न जो इस पूरे के पूरे वीडियो बनाने का था कि एक आम आदमी की अवधारणा जो होती है कि एक मोबाइल को कैमरा पर्सपेक्टिव लेने के लिए उसको इतना टेक्निकल भारी वर्कम वर्ड नहीं पता, उसको जो फील है कि भैया फील मेरे को कैसा हुआ फोटो खींचने के बाद वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया। वो मेरे हिसाब से भी मोटो एच 50 प्रो इस मामले में थोड़ा सा नीचे रहता है। तो बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।